please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अब भवानी सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं। राजस्थान के अलवर के दिव्य धाम के कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी महाराज के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। पीड़ित लड़की का दावा है कि पिछले 7 अगस्त को फलाहारी महाराज ने उसके साथ बलात्कार किया। लड़की ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में FIR दर्ज कराई, जिसे अलवर पुलिस को भेज दिया गया। उधर आरोपी फलाहारी बाबा अस्पताल में भर्ती है, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ अभी नहीं कर पा रही है। जो प्रारंभिक जांच है और उसमें पीड़िता के बयान भी लिए उन्होंने, और पीड़िता के जो भी मेडिकल कराना है वो कराया है, 164 के बयान कराए हैं, और वो सारे बयान कराने के पश्चात जो पत्रावली थी आज उन्होंने हमें सुपुर्द की है। उसकी सुपुर्दगी के बाद हमने अपने अरावली विहार पुलिस थाने में इसके अंतर्गत मुकदमा कायम किया है और उसके बाद इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। भारत जी का स्वास्थ्य 13 तारीख से बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है और आंखों में इंफेक्शन है और आराम है, तो ऐसा भी होगा कि हम लास्ट करके उसको बाबा जब आए थे तो वो बेहोशी की हालत में थे। हमने उनको इमरजेंसी ICU में लेके एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया। उनको बुखार आ रखा था, 100.5 BP बढ़ा हुआ था, 160-110 BP चल रहा था। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनका उपचार शुरू किया। आखिरकार ये कौन है फलाहारी महाराज, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जगगुरु जो है रामानुचार्य कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी, राजस्थान के अलवर में इनका आश्रम है, दिव्य धाम का संचालन ये करते हैं। अलवर में 10 करोड़ का मंदिर, लगभग 100 करोड़ की संपत्ति का अनुमान भी लगाया जा रहा है। देश भर में लाखों अनुयायी होने का दावा भी ये कर रहे हैं। आश्रम में एक लड़की के बलात्कार का आरोप इन पर लगा है। लड़की आशीर्वाद लेने बिलासपुर से अलवर आई थी। 7 अगस्त की रात को जबरन आश्रम में उसे रोका गया, हाईकोर्ट का जज बनाने का झांसा देने का आरोप लगा है और प्रसाद में नशीली वस्तु देने का आरोप। धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। धारा 506 के तहत धमकी देने का मामला भी दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। देखिए, बिलासपुर की एक पीड़िता ने राजस्थान के जो अलवर जिला है वहाँ के जो फलाहारी बाबा के नाम से जो जाना जाता है, उस जगह के खिलाफ में FIR दर्ज 0 पर किया गया है बिलासपुर में। उस पीड़िता के द्वारा जो अनाचार व्यभिचार जो बातें आई है उसके आधार पर यहाँ पर 0 में FIR दर्ज हो चुका है और हमारे जिस बिलासपुर ज़िले से SP ने राजस्थान के जो अलवर जिला है वहाँ के SP को जांच के लिए भेजा गया है और निश्चित है कि इस तरह के आरोप बड़ा निंदनीय है और उसके आधार पर निश्चित है कि कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, मैं हूं फराह खान। बलात्कारी बाबा राम रहीम के कुकर्मों के डेरे की एक ऐसी सनसनीखेज हकीकत सामने आई है जिससे साबित होता है कि डेरा ना सिर्फ राम रहीम की अय्याशी का अड्डा था बल्कि एक ऐसी काली दुनिया थी जहां राम रहीम खुद को खुदा बताकर अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देता था। आज हम बलात्कारी बाबा के भगवान बनने के ढोंग का पर्दाफाश करेंगे। आप हमेशा सुखी रहें, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप ईश्वर का नाम जपा करें। बलात्कारी, इसके लिए जरूरी है आप एक्सरसाइज करें, कर्म करें और मालिक को याद करें। हत्या का आरोपी ईश्वर है, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। जालसाज, फरेबी, ये सलाखों के पीछे पहुंचे उस शख्स की पहचान है जिसने हजारों लोगों के भरोसे को रौंदकर जुर्म की सल्तनत खड़ी की, यानी गुरमीत राम रहीम। ये बलात्कारी बाबा खुद को भगवान कहता था और इसकी हरकतें ऐसी थी कि शैतान भी शर्मा जाए। अपने आप को भगवान कहने वाले इस पाखंडी बाबा की अय्याशी में कोई कमी नहीं थी।
इसके फरेब का जाल फिल्मी दुनिया तक फैला था। जरा देखिए खुद को खुदा बताने वाले शख्स के कुछ रूप। जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है हमारी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है हमारी आतंकवाद से। सफर पे हम हैं, आ रहा मजा है, नाच जम जम है। राम रहीम के सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद उसके पाखंड का लगातार पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर आज हम आपको दिखाएंगे कि अपने नाम के आगे इंसान लगाकर कैसे वो समाज को बांटने में जुटा था। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने डेरे का अधर्म ग्रंथ बनाया था। ये डेरे की वो किताब है जिसमें गुरमीत ने समाज को बांटने की साजिश रची थी। इस किताब को राम रहीम ने पारस की पट्टी नाम दिया था। इस पुस्तक के जरिए राम रहीम डेरे में आने वाले लोगों को अंधभक्त बनाना चाहता था। उसका मकसद था कि लोग इस पुस्तक को पढ़कर अपने मूल धर्म से नफरत करें और उसकी आराधना करें, उसे भगवान माने। पारस की वटी कहने के लिए तो ये डेरा सच्चा सौदा का धर्म ग्रंथ है। इसे राम रहीम अपने सभी भक्तों को देता था, लेकिन इसमें जो बातें लिखी हैं वो हैरान करने वाली है। पारस की वटी किताब राम रहीम डेरे में आने वाले अपने भक्तों को देता था, जिसमें ये लिखा था कि भगवान सिर्फ डेरे में है जहां गुरमीत राम रहीम मौजूद है। इसके बाद इस किताब में दूसरे सभी धर्मों का मजाक उड़ाया गया है। इस्लाम को कुफर बता रहा है, हिंदू धर्म की आलोचना कर रहा है, सिख धर्म की आलोचना कर रहा है, मुसलमान धर्म की आलोचना कर रहा है। मकसद एक ही था, भी सभी धर्मों से तोड़कर अपनी अलग झूठ की दुकानदारी चलाऊं और खूब प्रफुल्लित हो। धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले इस किताब के कुछ हिस्सों में गीत लिखे हुए हैं। इन गीतों में भी दूसरे धर्मों के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, दूसरे धर्मों की पूजा और उनके तरीकों पर टिप्पणी की गई है। किताब में रामायण और गुरबानी की पंक्तियों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया गया है और भक्तों को ये समझाया गया है कि वो सिर्फ राम रहीम को ही भगवान माने। राम रहीम की किताब में दूसरे धर्मों की किताब में लिखी पंक्तियों का उदाहरण देकर उसका गलत मतलब बताया गया है। इस किताब में गुरबानी में लिखे शब्द सिरसे का सिरसा बताकर लोगों को गुमराह किया है। आनंद साहिब में आता है, संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी, लेकिन जो सरसे के फॉलोवर हैं, जो गुरमीत राम रहीम बलात्कारी बाबा के फॉलोवर्स हैं, वो कहते हैं कि संत साजन भये सरसे, यानी कि संत साजन जो हैं वो सरसे में बैठे हैं, पूरे गुरु और पूरे जानी जान वो ही हैं। किताब में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम और हिंदू धर्म से जुड़ी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और बार बार ये साबित करने की कोशिश की गई है कि गुरमीत राम रहीम ही भगवान है। किताब के माध्यम से साबित करना चाहता था मैं ईश्वर खुद हूँ। किताब में इतने बखान करे गए हैं, इसको ईश्वर ही बता दिया गया है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मुझे ही पूजो। गुरमीत की इस करतूत के सामने आने के बाद सभी धर्मों के लोगों में फरेब की किताब को लेकर गुस्सा है। लोगों का मानना है कि राम रहीम इस किताब से लोगों को गुमराह कर रहा था। जो पूरे अगर इस प्रकार की कोई टिप्पणी है तो ये पूरे देश की जनता को एक आहत करने वाली टिप्पणी है। अगर इस प्रकार का कहीं लिखते हैं तो ये हमारे कुरान या शास्त्र जितने भी है उनका भी एक अपमान है। गुरमीत को खुद के खुदा होने का तो गुमान था, इसके साथ ही वो अपने आप को भगवान साबित करने के लिए हर तरह का पाखंड भी करता था। राम रहीम की ज्यादातर गाड़ियों का नंबर एक होता था, इससे वो अपने भक्तों को बताता था कि भगवान एक है और वो गुरमीत राम रहीम है।
उनके फॉलोअर्स को अब तो अकल आ जानी चाहिए कि जिस मैं अब भी लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आप सिर्फ कल्पना करें उस लड़की के बारे में जो उस लड़की के साथ हुआ है, अपने आप को वहां रख के सोचें, पता लगेगा आपको कि भगवान है कि सबसे बड़ा शैतान है। बलात्कारी बाबा को खुद के खुदा होने का इस कदर गुमान हो चुका था कि वो अपनी किताब पारस की वटी को लोगों को याद करने के लिए कहता था। पाखंड का खुदा बनकर राम रहीम अपने जुर्म के डेरे को शैतानी हरकतों का अड्डा बना दिया था, जहां जिंदा इंसानों के सामने वो खुद को भगवान बताता था और मर चुके लोगों की अस्थियों का बगीचा बना रहा था। सिरसा में उसके अधर्म लोक में 600 लोगों की अस्थियों के दबे होने का पर्दाफाश हुआ है, जिससे राम रहीम पर लगे हत्या के आरोपों से जुड़े नए सबूत मिलने की उम्मीद है। खुद को भगवान बताने वाला शैतान बाबा का एक और सनसनीखेज राज। इंसान की हड्डियों पर बसा था बलात्कारी बाबा का शैतान लोक। डेरे के अंदर है और डेरे के अंदर ये वही बगीचा है जहां पर दावे किए जा रहे हैं कि जो अस्थियां हैं, लोगों के कंकाल हैं, हड्डियां हैं, वो यहां पर होती हैं। डेरे से बहुत से लोग हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। इस तरह के कई आरोप सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बात का कभी पता नहीं चला कि ये लोग आखिर कहां चले गए। तो इस सेवादार के साथ में गई थी ना, तो मेरे पास में एक बच्चा था, वो बच्चे को मेरे को पकड़ा के और श्याम लेकर बैग लेके गई थी। वे वहां से सेवादार के साथ में गई थी, वहां से गायब है वो, गुरुजी ने बुलाया, उसके बाद में कोई पता ही नहीं है उसका। इन सवालों के जवाब के तौर पर राम रहीम के एक सहयोगी ने डेरे पर बेहद संगीन आरोप भी लगाया था। इस आरोप के मुताबिक राम रहीम के आलिशान डेरे की बुनियाद इंसान के हड्डियों पर रखी गई है। उन्हीं लोगों की लाशें दफन हैं जिनको गुरमीत राम रहीम ने अपने दबाव बनाने के लिए, अपनी बात को बाहर ना निकल जाए इसके लिए, जो गायब किया था उन्हीं लोगों की लाशें जो अंदर दबी हुई हैं। डेरे में नरकंकाल दफन है, अब इस बात पर राम रहीम के बेहद करीबी शख्स ने मोहर लगाई है। ये है सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के उपाध्यक्ष पीआर नैन। नैन ने पूछताछ में यह माना कि डेरे में 600 लोगों के कंकाल दबे हुए हैं। हम इस वक्त वो जगह आपको दिखाना चाहते हैं न्यूज 18 इंडिया पर, ये वो बगीचे की तस्वीरें हैं जहां पर कहा जा रहा है कि जो पुलिस जांच अभी पता लगी है कि डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय की जमीन और खेतों में करीब 600 लोगों की हड्डियां और कंकाल मौजूद हैं, ये वो जगह है। नैन ने डेरे का सच खंगाल रही हरियाणा पुलिस की SIT को डेरे से जुड़े कई सनसनीखेज राज बताए। डेरे में नरकंकाल दफनाए जाने पर उन्होंने दलील दी कि ये डेरे की रस्म के तहत किया गया। इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, ये वही जगह है। हरियाणा पुलिस की SIT से पूछताछ में डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर PR नैन ने बताया कि डेरे की सिरसा की जमीन में 600 लोगों के कंकाल और हड्डियां दबी हैं। हालांकि पूछताछ के बाद बाहर आए डेरे के उपाध्यक्ष डॉक्टर नैन से जब न्यूज 18 इंडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नहीं भाई, मैं बीमार आदमी हूँ, माफ कीजिए प्लीज। डेरे के उपाध्यक्ष भले ही कुछ कहने से इनकार कर रहे हो, लेकिन SIT के प्रभारी DSP कुलदीप सिंह बेनीवाल ने डेरे में कंकाल दबे होने की पुष्टि की। अखबार में भी एक बार आए थे, भी जो अस्थियां वगैरह हैं जिन पे पौधे लगाते हैं, उस संबंध में भी इनसे रिकॉर्ड हासिल किया गया है भी कितने आदमियों की ये रिकॉर्ड है। आप क्योंकि ये खेतीबाड़ी का जो काम है वो यही संभालते हैं। डेरे के इस सनसनीखेज सच के सामने आने के बाद पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि क्या डेरे के पास अस्थियां दफनाने की कानूनी इजाजत थी या नहीं।
इस सच के सामने आने के बाद अब ये शक पुख्ता हो जाता है कि डेरे के कंकाल लोग के जरिए बाबा अपने दुश्मनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता था। हालांकि पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, जिसमें डेरे के कुछ पूर्व अनुयायियों ने यह आरोप लगाया था कि डेरे के खिलाफ बोलने वाले कई लोगों को मारकर डेरे के खेतों में उनकी लाशें दबा दी गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारी जगह जो है न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, ये वही जगह है। बलात्कारी बाबा का ये कंकाल लोक उसके ही गुनाहों पर पर्दा डालने का एक जरिया था, लेकिन बाबा के पापों का घड़ा फूटने के बाद अब कंकाल लोक की हड्डियां भी उसके खिलाफ गवाही देंगी और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगी। जम्मू कश्मीर के अरनिया में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़कर भारी गोलीबारी की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल पूछने पर कन्नी काटते नजर आए। न्यूयॉर्क में न्यूज 18 इंडिया से खास मुलाकात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताते हुए अमेरिका के साथ अच्छे संबंध की दुहाई दी। दिल्ली में एम्स के पास सिगरेट पीने से मना करने पर एक कार चालक ने बाइक सवार की ठोकर मारकर जान ले ली। राजस्थान में अलवर के फलाहारी महाराज के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद बाबा अस्पताल में भर्ती हो गया है। कोलकाता में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है।